कान्हा की नगरी में इन दिनों स्वच्छता को लेकर काफी ध्यान दिया जा रहा है और देश में भी स्वच्छता के प्रति लोगों को मुहिम चलाकर जागरूक किया जा रहा है। इस मुहिम में भाग लेते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश अनुसार मथुरा न्यायालय परिसर में भी स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की गई। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को मनाई जाने वाली राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की जयंती को लेकर देश भर में स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जयंती के दिन गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वच्छता बनाए रखने की शपथ भी ली जाती है और इसी दिवस को स्वच्छता ही सेवा अभियान के रूप में भी मनाया जाता है। जिला मथुरा न्यायालय के न्यायाधीश आशीष गर्ग द्वारा समस्त सम्माननीय न्यायिक अधिकारी और न्याय के कर्मचारी गणों के साथ जिला न्यायाधीश आशीष गर्ग के नेतृत्व में विश्राम कक्ष के समीप स्थित पार्क से लेकर पूरे न्यायालय परिसर में साफ सफाई कर चमकाया गया। जिला न्यायाधीश आशीष गर्ग ने बताया कि जिस तरह न्यायालय परिसर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इसी कड़ी में आज भी मथुरा न्यायालय परिसर में साफ सफाई करते हुए न्यायालय परिसर का निरीक्षण भी किया गया। सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने न्यायालय परिसर में साफ सफाई करते हुए न्यायालय परिसर को स्वच्छ रखने की शपथ ली है। स्वच्छता का तो हम लोगों की संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हमेशा ये चीज़ रहेगी, घर के आसपास की सब जगह की सफाई करनी चाहिए और हम लोगों का भी न्यायालय में नियमित रूप से पूरे वर्ष भर साफ सफाई का कार्यक्रम चलता है। लेकिन इस बार जो 15 दिन का ये जो पखवाड़ा है स्वच्छता का, इसके अंतर्गत हमने विशेष रूप से न्यायालय परिसर के अंदर और न्यायालय परिसर के आसपास प्रयास कर रहे हैं कि सब जगह साफ सफाई रखी जाए और साफ सफाई की वजह से कई बीमारियां भी रुक जाती हैं। और आज आपके माध्यम से मैं जनपद मथुरा और न्यायालय मथुरा में आने वाले उन सभी व्यक्तियों से, देवियों सज्जनों से अनुरोध करूंगा कि न्यायालय में जब भी आएं तो यहां पर किसी भी तरीके का गंदगी या कूड़ा ना फैलाएं। मैंने आमतौर पर देखा है कि पानी की बोतलें लेने के बाद पानी की बोतल ख़त्म हुई, प्लास्टिक की बोतल समझ के उसे फेंक दिया जाता है। बहुत से लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, वैसे भी ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो पाउच होते हैं वो फेंक दिए जाते हैं। और फिर यही एक चीज़ है, तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और न्यायालय परिसर में गंदगी भी पैदा करते हैं। तो मेरा उन सबसे भी अनुरोध है कि भविष्य में प्रयास करें कि वो इस तरीके के कूड़ों को न्यायालय परिसर में ना फैलाएं। और आपके माध्यम से पुनः सभी से निवेदन है कि मथुरा जनपद में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी आते हैं, तो उनके सामने भी एक अच्छा संदेश जाना चाहिए कि मथुरा शहर और मथुरा जिला